समृद्ध खेती और समृद्ध किसान, ये जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा, उस प्रस्ताव को अनुमोदन देने के लिए मैं यहां पर खड़ा हूं। मोदी जी की सरकार ने कृषि के क्षेत्र में जो काम किया है, मैं ऐसा मानता हूं कृषि के क्षेत्र की जो मूलगामी आधारशिला है उसको मजबूत करने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। 2013-14 में केवल 4 लाख हेक्टेयर भूमि माइक्रो इरिगेशन में थी और आज 2018 में ये 12 लाख हेक्टेयर पहुंच गई, 3 गुना भूमि ये आज माइक्रो इरिगेशन में पहुंची। केवल केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से इस योजना के माध्यम से हमको मदद की, 60-65 सालों में मात्र हम 32 लाख हेक्टेयर तक इरिगेशन कर पाए थे, पिछले 3 सालों में 32 लाख हेक्टेयर से हम 40 लाख हेक्टेयर पहुंचे और आने वाले 2 सालों में केंद्र सरकार ने जो मदद की है केवल उसके कारण और 16 लाख हेक्टेयर जमीन ये सिंचाई के नीचे आएगी। 35,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की योजनाओं से सिंचाई के लिए महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने पूरे 15 सालों में कुल अनाज खरीदा 450 करोड़ रुपए का और हमने 3 सालों में खरीदा 8,500 करोड़ रुपए का। 450 करोड़ 15 साल और 8,500 करोड़ मात्र 3 साल। आपने जो फसल बीमा योजना तैयार की, मैं ऐसा मानता हूं देश और दुनिया के इतिहास में इस प्रकार की फसल बीमा योजना पहले कभी तैयार नहीं हुई थी। हमारे यहां पर जो कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार में हमारे किसानों ने 15 साल में फसल बीमा योजना में 450 करोड़ रुपए भरा और उनको केवल 1400 करोड़ रुपए मिले। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाने के बाद महाराष्ट्र के किसानों ने मात्र 1600 करोड़ रुपए भरे और महाराष्ट्र के किसानों को प्राप्त हुए 12,000 करोड़ रुपए।